अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं अख्तर हुसैन। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम इस टावर फ़ैन के मोटर को रिमूव करेंगे, क्योंकि ये मोटर वर्क नहीं कर रहा है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं बैक साइड में आ चुका हूँ और यहाँ पे कुछ स्क्रूज़ लगे हुए हैं, तो पहले इसको खोल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सभी स्क्रूज़ को खोल लिया है और अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी कुछ स्क्रूज़ लगे हुए हैं, इसको भी खोल लेंगे। तो देखिए, ये सामने वाला हिस्सा निकल चुका है और अब इसके बाद हम सभी वायर को निकाल लेंगे। और यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर का जो केबल है, ये केबल डायरेक्ट सिलेक्टर स्विच में लगा हुआ है। मोटर और सिलेक्टर स्विच का वायर एक साथ है, एक ही केबल में है। तो यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे, फिर बाद में ज़रूरत पड़ने पर हम इसको जोड़ भी सकते हैं। और अब हम इसको साइड में कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए, दो स्क्रू लगा हुआ है, इसको भी खोल लेंगे। और इसको सीधा ऊपर आगे की तरफ खींचेंगे तो ये बहुत ही आराम से निकल जाएगा। और अब मोटर के शाफ्ट में ये जो पंखी लगी हुई है, वहाँ पे एक स्क्रू लगा होता है, उसको भी खोल लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसको सीधा ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये बहुत ही आराम से निकल जाता है। देखिए, ये अब हम इसको साइड में रख देंगे। और अब बारी है मोटर को निकालने की, तो इसके नीचे जो भी स्क्रूज लगे हुए हैं सबको खोल लेंगे। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हमने सभी स्क्रूज़ को खोल दिया है और अब इस मोटर को ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से ऊपर की तरफ खिसक जाएगा। देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे भी कुछ नट लगा हुआ है, इसको भी हम खोल लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए ये मोटर पूरे तरीके से निकल चुका है और अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें क्या खराबी है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।